वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 समांतर श्रेणी अर्थात अभ्यास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और हमने वहां पर 9 नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा 10वां नंबर और 11वां नंबर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, यहां पर वही सेम टू सेम प्रक्रिया है जो कि हमने पीछे सीखी, ठीक है। यहां पर भी हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है एपी है अथवा नहीं। यदि एपी है तो उसके 3 अन्य पद निकालने हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, गौर से देखिएगा। यहां पर ए ए बराबर क्या, यानी ए वन बराबर क्या बेटा, ए ए वन बराबर क्या ए, और यहां पर ए का मान, ए वन का मान क्या है बेटा, ए ही है, ठीक है। इसी प्रकार ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी है बेटा, 2A। इसी प्रकार बेटा ए थ्री, ए थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 3A। और ए फोर, तो ए फोर की वैल्यू कितनी है बेटा, 4A। समझ में आया ना। अब D बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, तो A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना बेटा, 2A माइनस का A, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A। इसी प्रकार D बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू कितनी बेटा, 3A माइनस का कितना बेटा, 2A, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A। इसी प्रकार D बराबर कितना बेटा, A4 और माइनस का A3, ठीक है, माइनस करेंगे, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, सही है, ठीक है। और क्या आ जाएगा बेटा, A4, A4 की वैल्यू कितनी बेटा, 4A माइनस कितना बेटा, 3A, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, A। देखिएगा सार्वांतर या पदांतर क्या है, लिखेंगे सार्वांतर समान है अतः, क्या बेटा, अतः यह क्या है बेटा, AP है, अतः यह क्या है बेटा, AP है। इतनी चीज समझ में आई ना। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना बेटा, अगले 3 पद बेटा, A4 तक हमें पता है, तो A5, A5 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो A4 प्लस D बेटा, A6 बराबर A5 प्लस D और A7 बराबर A6 प्लस D। देखिएगा A4, अब A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4A, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, तो D की वैल्यू कितनी, A, और 4A और 1A कितना आ जाएगा, 5A। अब 5A की वैल्यू कितनी, यानी A5 की वैल्यू कितनी, तो 5A प्लस A बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 6A। इसी प्रकार A6, A6 की वैल्यू कितनी बेटा, 6A प्लस D की वैल्यू A, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 7A। अर्थात इसके अगले पद क्या होंगे, 5A, 6A और 7A। समझ में आया ना, ठीक है। देखिएगा अगला है 11वां नंबर, कह रहा है कि बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर से, ठीक है। यहां पर A1 बराबर कितना बेटा, A, A2 बराबर कितना, A स्क्वायर, A3 बराबर कितना बेटा, A3 यानी A3 बराबर A क्यूब, और A4 बराबर कितना है बेटा, तो A की पावर कितना बेटा, 4। समझ में आया ना, A4 बराबर A की पावर 4। सबसे पहले क्या निकालते हैं, D, D बराबर कितना बेटा, तो A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस का A2, D बराबर A4 माइनस का A3। गौर से समझिएगा, A2, A2 की वैल्यू कितनी बेटा, A स्क्वायर, ठीक है, और कितना माइनस का A, माइनस का कितना बेटा, A, ठीक है। अब देखिएगा क्या घटेगा, नहीं भाई ऐसे नहीं घटाया जाता। दूसरी बात, मान लिया A का मान लेंगे तो आ जाएगा कितना, A का मान ले लिया तो आ जाएगा A माइनस का 1, क्या देखिएगा गौर से, ठीक है। और इसी प्रकार A3, A3 की वैल्यू कितनी बेटा, A क्यूब माइनस कितना बेटा, A2, A स्क्वायर, भाई A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A माइनस का कितना, 1। तो क्या पदांतर समान आ रहा है, और चेक कर लीजिएगा, A4 तो A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, A3 कॉमन लेंगे तो A माइनस 1, इसमें A3, इसमें A2, इसमें A, क्या पदांतर समान है। यहां पर लिखेंगे अतः पदांतर या सार्वांतर, क्या बेटा, सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। और बेटा जब यह एपी नहीं है तो अगले 3 पद नहीं निकाल सकते हैं।